नमस्कार, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिका। खबरों के डिटेल्स में जाने से पहले डालते हैं हेडलाइंस पर एक नजर। सीएम योगी का बदायूं शाहजहांपुर दौरा, जनता को करोड़ों की विकास योजनाओं का दिया तोहफा। यूपी में अगले 15 दिनों में गृह मंत्री अमित शाह के ताबड़तोड़ दौरे, 3 बार करेंगे यूपी का दौरा। पंजाब में प्रशासनिक नियुक्तियों पर सिद्धू ने लगाई प्रतिष्ठा, कामकाज में दखल से सीएम चन्नी हुए नाराज, हुई सुलह बैठक। मणिपुर के शिरोई में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.8 रही तीव्रता। नेपाल के आर्मी चीफ जनरल प्रभुराम शर्मा का भारत दौरा, 4 दिन के दौरे पर रहेंगे शर्मा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार 10 नवंबर को आएंगे कानपुर। वो सबसे पहले मेट्रो के ट्रायल रन कार्यक्रम में भाग लेने रावतपुर मेट्रो डिपो जाएंगे। वहां करीब 30 मिनट तक रुकने के बाद शहर में फैले जीका वायरस को लेकर मंथन करेंगे। सीएम स्मार्ट सिटी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जाकर मरीजों की स्थिति का आकलन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को कानपुर आएंगे। सबसे पहले मेट्रो के ट्रायल रन कार्यक्रम में शिरकत करने रावतपुर मेट्रो डिपो जाएंगे। वहां करीब 30 मिनट तक रुकने के बाद वो शहर में फैले जीका वायरस को लेकर मंथन करेंगे। साथ ही स्मार्ट सिटी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जाकर मरीजों की स्थिति का आकलन करने के साथ ही अन्य बिंदुओं पर जानकारी लेंगे। बता दें कि मेट्रो का फाइनल ट्रायल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कर लिया गया है। ट्रायल रन समय से पहले निर्धारित हो जाने के कारण यूपी मेट्रो के इंजीनियर की पूरी फौज कानपुर में जुट चुकी है। वो ट्रेन का अध्ययन कर रहे हैं। दरअसल ट्रायल गीतानगर से आईआईटी स्टेशन के बीच किया जाएगा। इसके बाद 6 हफ्ते का वक्त मेट्रो के इंजीनियरों के पास होगा ताकि वह मोती झील तक की छोटी मोटी दिक्कतों को भी दुरुस्त कर लेंगे। फिलहाल मुख्य संरक्षा आयुक्त ट्रायल के बाद से हर पहलुओं का अध्ययन करेंगे। तकनीकी जाँच के बाद ही ट्रेन आम लोगों के सफर के लिए चालू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना कानपुर मेट्रो जो कि अब तैयार हो चुकी है, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कानपुर आएंगे और ट्रायल रन के लिए यहां पर मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर शहरवासियों को इस मेट्रो की सौगात दी जाएगी। कानपुर से सचिन मिश्रा, एबी न्यूज। आप तक उन्नाव को कानपुर से जोड़ने वाला 1875 में अंग्रेजों के समय बने गंगा पुल में दरारें पड़ने के चलते जिला प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया था, जिसको लेकर कांग्रेसी नेता राहुल जायसवाल ने आमरण अनशन करने की घोषणा कर दी, जिससे जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। जिला प्रशासन ने आनन फानन में राहुल जायसवाल से मिलकर आश्वासन देकर 1 सप्ताह का समय मांगा, जिस पर फिलहाल अनशन को स्थगित कर दिया गया है। उन्नाव को कानपुर से जोड़ने वाला 1875 में अंग्रेजों के समय बना गंगा पुल में दरारें पड़ने के चलते जिला प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया था, जिसको लेकर कांग्रेसी नेता राहुल जायसवाल ने आमरण अनशन करने की घोषणा कर दी, जिससे जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। जिला प्रशासन ने आनन फानन में राहुल जायसवाल से मिलकर आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह का समय मांगा, जिस पर फिलहाल अनशन को स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि लगभग 1 साल होने को है, लेकिन अभी भी यह पुल बंद है, जिसकी वजह से विद्यालय आने जाने वाले छात्र छात्राओं व सब्जी विक्रेताओं साथ ही मजदूरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं 1 सप्ताह बाद यदि पुल की मरम्मत करके प्रारंभ न किया गया तो राहुल जायसवाल आमरण अनशन करेंगे। लेबर क्लास के लोग हैं, पुराने गंगा पुल से होकर के शुक्लागंज के हजारों मरीज हैलट उड़सला जाते हैं, वो नहीं पहुँच पा रहे हैं। बच्चियां जो कॉलेज में जाती हैं, जुहारी देवी SSN कॉलेज है, सेंट्रल स्कूल है, अन्य बहुत सारे विद्यालय हैं, कानपुर की कचहरी है, जाने का एकमात्र सुगम रास्ता यही था। अभी आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि एक नया गंगा पुल भी बना है, जिसे सरकार ने अभी पब्लिक के लिए नहीं खोला है, लेकिन वो उस पर चल रहा है। अगर उसमें किसी तरीके की कोई घटना, जिस तरीके से सरकार ने इसको बता दिया कि ये चलने लायक नहीं है, तो क्या सरकार ने उसको खोला है, उस नए पुल को, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई घटना हो गई तो? जिलाधिकारी महोदय को राज्यपाल महोदय के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि अगर 8 तारीख तक पुल शुरू ना हुआ तो हम लोग 9 तारीख को आमरण अनशन करेंगे। लेकिन बीती रात ही जिलाधिकारी ने अनुरोध किया कि एक बैठक कर ली जाए कानपुर की, जिसमें सेतु निगम के अधिकारी, PWD कानपुर के अधिकारी और उन्नाव के जिला प्रशासन के लोग थे। वहाँ ये निर्णय लिया गया कि 1 सप्ताह के भीतर 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, उसकी रिपोर्ट आना जाने दीजिए, फिर उसके बाद
आप स्वतंत्र हैं आगे की कार्रवाई करने के लिए। फरुखाबाद में प्रेमिका के घर प्रेमी की हत्या की वारदात से हड़कंप मच गया। हत्या कर शव को घर के पास जमीन में दफना दिया गया था। प्रेमिका की गुहार पर पुलिस ने घर पहुंचकर परिजनों से पूछताछ की। खाली पड़े मकान में कई फीट नीचे दबे शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फरुखाबाद में प्रेमिका के घर प्रेमी की हत्या की वारदात से हड़कंप मच गया। हत्या कर शव को घर के पास जमीन पर दफना दिया गया। प्रेमिका की गुहार पर पुलिस घर पहुंची और परिजनों से पूछताछ की। खाली पड़े मकान में कई फीट नीचे दबे शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक कई दिनों पहले घर से निकला था। मृतक के पिता ने प्रेमिका के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया। वहीं प्रेमिका के परिजन घर पर ताला लगाकर फरार हो गए। उनकी तलाश की जा रही है। यह पूरा मामला कोतवाली सदर क्षेत्र के पंचाल घाट का बताया जा रहा है। कानपुर देहात में रसूलाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली। दो दिन पूर्व हुई हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के मुताबिक मृतक का चचेरा भाई और उसके दो बेटों ने अधेड़ को मौत के घाट उतारा था। कानपुर देहात में रसूलाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली। दो दिन पूर्व हुई हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के मुताबिक मृतक का चचेरा भाई और उसके दो बेटों ने अधेड़ को मौत के घाट उतारा था। SP के निर्देश पर सक्रिय हुई पुलिस ने हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश किया है। घटना के मुख्य आरोपियों ने हत्या की वजह कबूल की है। पुलिस ने आरोपी पिता और दो बेटों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि दो दिन पूर्व रसूलाबाद कोतवाली के चाचे गाँव के पास अधेड़ का जामुन के पेड़ में शव लटका मिला था। बेटा, इसको अकेले आपने मारा क्या और किसी ने मारा? अकेले ही मारा। साथ में और भी कोई था? नहीं, और कैसे मारा? डंडे से और जैकेट से। जैकेट की बाजू होती ना, इसी से फांसी लगाई। जैसे आप मुकुल डाल रखे हो ना, इसी से। जैसे मुकुल डाल रखे हो ना, इसी से खींच दिया 100 बार गिनती भी नहीं। इसको मारने का कारण क्या रहा? मारने का कारण ये था, इसी ने हमारी भाई की भतीजी को मारा। उत्तर प्रदेश सरकार बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के दावे भले करे, लेकिन कानपुर देहात का स्वास्थ्य महकमा लगातार प्रदेश सरकार के दावों की पोल खोल रहा है, या यूं कहें कि सरकारी स्वास्थ्य महकमा सरकार की योजनाओं में पलीता लगा रहा है। एक ऐसा ही मामला जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कैमरे में कैद हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के दावे भले करें, लेकिन कानपुर देहात का स्वास्थ्य महकमा लगातार प्रदेश सरकार के दावों की पोल खोल रहा है, या यूं कहें सरकारी स्वास्थ्य महकमा सरकार की योजनाओं में पलीता लगा रहा है। एक ऐसा ही मामला जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कैमरे में कैद हो गया, जहां गर्भवती महिला के परिजनों से प्रसव के नाम पर 1,000 रुपए की उगाही की जा रही है। यह तस्वीर है कानपुर देहात के सिकंदरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत बस से बदतर हो गई है। जहां एक ओर सरकार मुफ्त इलाज के दावे कर रही है, तो वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के नाम पर धन उगाही की जा रही है। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक ने इस बात को स्वीकार किया कि प्रसव के नाम पर महिला नर्स पर वसूली का आरोप लग रहा है। अभी ये जो चीजें हैं, ये मेरे संज्ञान में लाई गई हैं जी। और जो कथित तौर पे जिन्होंने पैसे दिए हैं, जिससे मेरी बात हुई है, उनको मैंने कहा है कि वो लिखित शिकायत मुझे कल सुबह करें और मैं एक एक हर एक केस जो आएगा उसको जांच करूंगा, देखूंगा कि पैसा किसने मांगे और पैसे किसको दिए। क्योंकि किस हमारे अस्पताल में किसी भी तौर पर किसी चीज़ के लिए भी पैसा देना अलाउड नहीं है, ना तो दवाइयों के लिए भी, ना तो दवाइयों के लिए भी, ना तो बेड के लिए भी, ना तो किसी प्रकार की सेवा के लिए। इसीलिए हमने अस्पताल में 2-3 जगह लिख के रखा है कि कभी किसी चीज़ के एवज में अगर पैसे मांगे जाते हैं तो मुझे इस नंबर पे, मेरा नंबर वहाँ पर डिस्प्लेड है कि इस नंबर पे शिकायत कीजिए ताकि कार्रवाई कर सके। राकेश बाबू कहाँ के निवासी हो? उदयपुर। आप यहाँ महिला वार्ड में किसको लेके आए थे? अपनी बीवी को। डिलीवरी थी? हाँ। अच्छा, किसने आपसे पैसे मांगे? नर्स मैडम। अच्छा, क्या कहा? पैसे दो तभी। क्या नाम है पत्नी का? राम सती। तो ये पत्नी है? अच्छा, तो कितने रुपए आपसे लिए? हमने 650 मांगे थे, तो हम पे 100-200 रुपया डरे ले लिए, नहीं लिए, कहीं कूड़े दो आके। तो फिर हम घर जाके कूड़े ले आए। फिर तुमने दे दिए? कितने लिए? 650। राखी, कहाँ के निवासी हो आप? नसीरपुर की। आपको मरीज यहाँ क्यों पड़ा? क्या जगह नहीं है अस्पताल में? हम कहाँ जाने भैया, अंदर नहीं लगे। बेड है कि नहीं ये बताओ आप। दो ही बेड है, सो कर रही अपनों काम बिचारी। दो ही बेड है? हाँ।
हाँ। उससे ज्यादा नहीं है ना? ज्यादा नहीं है। अच्छा, इससे ज्यादा है। तो आपने कहा ही नहीं हमारे मरीज को जगह दो? आपने कहा नहीं? तो क्या कहा उन्होंने? अब जब हम देख रहे हैं तो तीसरे काम। यहाँ आपका मरीज क्यों लेटा है? क्यों लेटा है? जगह नहीं, जगह नहीं अस्पताल में। अच्छा, तो आपने कहा नहीं हमें जगह दो, बैठ दो? हटा दिया आपको। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए एबी न्यूज़। नमस्कार।